आठवां प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। e की पावर 2x का गुणा है और 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे 2x स्क्वायर। यहाँ पर ये देखिए, 1 बटे एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर आएगा। मतलब हमें सिर्फ एक पार्ट का ही इंटीग्रेशन करना है, एक वैसे ही छोड़ना है क्योंकि वो बाद में कट जाता है। हमारे पास एक फार्मूला था जिसमें एक पार्ट का डिफरेंशिएशन दूसरा पार्ट आता था, तो हम ऐसे करते थे, एक पार्ट का इंटीग्रेशन करते थे तो वो उसका एक पार्ट दूसरे पार्ट के बराबर आता था और कट भी आता था। यहाँ पर देखते हैं, पहले गुणा करेंगे हम। पहले तो माना i बराबर 1 to 2 1 y एक्स ई की पावर 2x और dx। यहाँ पर हम एक ही साथ इसको अलग भी कर लेते हैं, e की पावर 2x dx। इस पार्ट का हमें करना है, इसको थोड़ा और सरल करते हैं। x की पावर माइनस 1 e की पावर 2x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 to 2 x की पावर माइनस 2 e की पावर 2x dx। ये एलजेब्रिक फलन है। हमारे पास जो टेक्निक थी आई एल ए टी ई, एलजेब्रिक और फिर एक्सपोनेंशियल, इसे फर्स्ट मानना है, इसे सेकंड मानना है, यानी ये फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस एक्स पावर माइनस 2 और ए की पावर 2x/2 और dx माइनस 1/2 एक्स पावर माइनस 2 ई की पावर 2x dx। कुल मिलाकर हमारा आएगा 1/2 ई की पावर 2x/x और इस पर इस तरीके से हमने ये लिमिट लगा रखी है और ये प्लस 1/2 1 एक्स की पावर माइनस 2 ई की पावर 2x और dx माइनस 1/2 और ये तो लिमिट रहेगी ही रहेगी। देखिए ये सेम आ चुके हैं, कट जाएंगे, हमारे पास सिर्फ यही बचेगा। हम 1/2 बाहर निकाल सकते हैं, 2 रखेंगे तो e की पावर 4/2 माइनस e की पावर 1/1, यानी हम ये 2 आएगा यहाँ पर, 1 जब रखेंगे यहाँ पर 2 × 2/1, मतलब हम e की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। तो e की पावर 2 जब कॉमन लेंगे, बड़ा कर दें या कॉमन ले लें, तो e की पावर 2 माइनस 2/4, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये हमारा आंसर होगा। भाई e की पावर 4 माइनस 2 e की पावर 2 ये हो जाएगा 1/2 और 1/2 भी तो है ये, तो 4 नीचे आएगा, e की पावर 2 कॉमन लेंगे तो e की पावर 2 माइनस 2 आएगा, जो कि हमारा आंसर भी है।